दोस्तों, तो हम बात करेंगे मार्क्स एंड फार्मा के स्टॉक के बारे में। मार्क्स एंड फार्मा के स्टॉक में आने वाले वीक के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक पिछले कुछ समय से लगातार अप ट्रेंड में है। अगर हम इसमें बात करें कि अब इसका जो सबसे नियर बाई रजिस्ट्रेंस है वो क्या है, तो इसका नियर बाई रजिस्ट्रेंस है 90 का। अगर स्टॉक 90 को यहाँ पर क्रॉस करता है तो फिर हमको इसमें आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छी तेज़ी दिखाई देगी। और स्टॉक इसको ब्रेक करता है 90 को, तो फिर हमको इसमें आने वाले कुछ दिनों में 97 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर स्टॉक में गिरावट आती है, तो जो स्टॉक में 86.70 का जो लेवल है वो इसमें सपोर्ट का काम करेगा। अगर स्टॉक 86.70 को यहाँ ब्रेक करता है, तो 82.50 का लेवल इसमें हमको सेकंड सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है, पिछले ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी हमको इसमें 3.46% की एक अच्छी तेज़ी दिखाई दी थी। तो जहाँ तक है, इसमें हमको 97 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, मगर अगर तब भी अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो फिर इसमें 86.70 इसके बाद 82.50 इसमें सपोर्ट का काम करेंगे। तो ये है स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। धन्यवाद।